वार्ड 15 का हाल बेहाल है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी नहीं मिला नल कनेक्शन। सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी यही हाल बना हुआ है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष पर सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लग रहा है। जनता अपने नेताओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए वोट देती है, किंतु मनावर नगर पालिका की उदासीनता के चलते और नगर पालिका अध्यक्ष के गैर जवाबदार रवैये के कारण आज वार्ड क्रमांक 15 की जनता सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। और जब भी यहां लोग नगर पालिका अध्यक्ष संगीता शिवराम पाटीदार से मिलने जाते हैं या उनसे गुहार लगाते हैं, तो सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिलता है। वार्ड वासियों का कहना है कि छोटी छोटी बालिकाओं को दूर दराज से आज हैंडपंप और कुएं बावड़ी से पानी लाना पड़ता है, अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, और इसका जवाबदार और इसका जिम्मेदार कौन है? अगर यथाशीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध वार्डवासी धरने पर बैठेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनावर से मैं साधु की रिपोर्ट।